देश का सबसे लंबा हाईवे NH-44 आखिर क्यों रहता है पाकिस्तान की नज़र में? भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल फैला हुआ है। चाहे कहीं का भी सफर करना हो, हाईवे तो मिल ही जाएंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे का जाल फैला हुआ है। इस हाईवे का नाम है NH-44। इस नेशनल हाईवे पर हमेशा पाकिस्तान की नजर रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, नेशनल हाईवे 44, देश के कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। यानी ये हाईवे भारत की पूरी उत्तर से लेकर दक्षिण साउथ तक की लंबाई में फैला हुआ है। NH-44 पाकिस्तानी सीमा के काफी करीब है। कुछ इलाकों में तो पाकिस्तान सीमा इससे महज 6 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से पाकिस्तान इस पर नजर बनाए रखने की कोशिश करता है। NH-44 को पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तानी सीमा के करीब होने की वजह से इस हाईवे पर पठानकोट तक भारतीय सेना की कड़ी निगरानी रहती है। NH-44 24 घंटे सुरक्षा बलों से घिरा हुआ रहता है। कितना लंबा है NH-44? NH-44 3745 किलोमीटर लंबा है। ये नेशनल हाईवे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे से 3 गुना ज्यादा लंबा है। NH-44 देश के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। NH-44 जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु तक जाता है। ये हाईवे पूरे भारत की सुंदर झलक दिखाता है। ये कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर कई राज्यों सुंदर मैदान से होते हुए समुद्री राज्य तमिलनाडु तक जाता है। कहां कितना हिस्सा? NH-44 का सबसे ज्यादा हिस्सा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ये 627 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर, तेलंगाना में 504 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, जम्मू कश्मीर में 304 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 250 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 189 किलोमीटर, 184 किलोमीटर हरियाणा में, 150 किलोमीटर कर्नाटक में और 278 किलोमीटर पंजाब में है। इसका सबसे कम हिस्सा कर्नाटक से होकर गुजरता है।